हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप सब लोग इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हो ना? ठीक है। और आज का जो वीडियो, काफ़ी दिनों से मैंने बताया था बट मैंने वो फ्लो में बता दिया था। आज का जो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप आखिरी तक के वीडियो देखिए। और हाँ, मैं कल नहीं बना पाई थी, परसों जो मैंने वीडियो बनाया था वो उसका भी डीकोड काफ़ी लोगों ने किया है, लेकिन मैं उसको और डीपली मैं कल नहीं इसके नेक्स्ट वीडियो में ही मैं बताने की कोशिश करूँगी ये कंप्लीट होने के बाद में। और ये काफ़ी दिनों से आप लोग पूछ रहे थे कि एंजल प्रोटेक्शन कैसे लेना है, इस पे वीडियो बनाइए। तो मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था फ्रेंड्स, लेकिन वो मैंने उसको टाइटल नहीं दिया था, उसमें मैंने फ्लो में बता दिया था। जब मैं कुछ और बातें भी बता रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी, उस वक्त मैंने बीच में बताया था। तो ठीक है, फिर से एक बार आपको बहुत अच्छे से बता देती हूँ, लेकिन आपको एंजल प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, आप सबको भी। ठीक है, एंजल प्रोटेक्शन कैसे लेना है मैं इस वीडियो में बता ही रही हूँ, उसी के साथ में क्यों ज़रूरी है ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एंजल प्रोटेक्शन लेना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो एंजल प्रोटेक्शन लेना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हम लोग ट्विन फ्लेम्स है, तो हमारी जो एनर्जी है वो एनर्जी बहुत इजीली कोई भी सक कर सकता है। और हम लो वाइब्रेशन में रहते हैं, हम जब बहुत ही पॉजिटिव में रहते हैं और अचानक कहीं जाके आते हैं तो आपको फील होता है कई बार ऐसा कि एकदम से आप लो वाइब्रेशन में चले गए, पता नहीं क्यों पेनफुल फील हो रहा है। ऐसा कई बार ट्विन फ्लेम्स के साथ में ऐसा होता है, बचपन से ही होते आता है, लेकिन जब अवेकनिंग हो गई उसके बाद में और ज़्यादा फील होता है आपको कि आप इतना मेडिटेशन कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो। उसका भी कारण ये जो है, ये नेगेटिव एंटिटी जो है हम पे अटैक कर रही होती है कि वो हमें इनर वर्क करने में बहुत ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होते रहते हैं कि क्यों नहीं कर पाते, कोई कोई जो है मेडिटेशन नहीं कर पाते, आज नहीं कल करेंगे, जो ऐसी फीलिंग जो होती है ये भी नेगेटिव एंटिटी ही हम पे अटैक कर रही होती है। और इन हमारे जो घर के सदस्य या फिर घर के आजू बाजू या फिर कहीं पे भी गए, वो सारे लोग हमारी एनर्जी सक करने की पूरी कोशिश करते हैं और वो एनर्जी सक करते हैं और हम लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। हम इतने हाई वाइब्रेशन में सडनली रहते हैं और सडनली क्यों लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, है ना? और नेगेटिव एंटिटी किसी भी रूप में अटैक कर सकती, किसी भी रूप में। वो ना आपके फैमिली मेम्बर्स को ऐसे अपने पपेट्स के रूप में उनको यूज़ करती है, उनको कठपुतली के रूप में यूज़ करती है कि आप पे अटैक करे, आपसे झगड़ा करे, आपको ट्रिगर करे और आप लो वाइब्रेशन में चले जाओ, समझ रहे हो आप? तो ये सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए ऐसा बहुत, अभी बताने जाओ ना कारण, तो बहुत बहुत प्रकार से वो अटैक करते हैं। नेगेटिव एंटिटी किसी भी रूप में अटैक कर सकते हैं और अभी हमें एंजल प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। एंजल प्रोटेक्शन अपने खुद के लिए भी लेना है, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी लेना है और एंजल प्रोटेक्शन अपने डीएम के फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, अपने काउंटर पार्ट के फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, काउंटर पार्ट के लिए भी, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए भी लेना है। ठीक है, और आपके मम्मी पापा के लिए, आपकी फैमिली, जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो अपने आप को, जिनसे आप कनेक्टेड फील करते हो हार्टफुली, उन सब के लिए प्रोटेक्शन लीजिए। क्यों? क्योंकि वो अगर आपको ट्रिगर करते हैं तो आप क्या होंगे, लो वाइब्रेशन में चल जाओगे। इसलिए उन सब के लिए भी प्रोटेक्शन लीजिए, क्योंकि नेगेटिव एंटिटी कहीं से भी अटैक कर सकती है, भले ही आपसे वो कितने भी दूर हो, आपके पेरेंट्स हो या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी आपसे कुछ दूरी पे भी होंगे, कहीं पे भी होंगे वो, तो फिर भी उनके लिए भी प्रोटेक्शन मांगना ज़रूरी है अपने फेवरेट गॉड से। अभी देखिए, अपने फेवरेट गॉड इसलिए बोला मैंने क्योंकि हम बचपन से ही जिनसे ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं ना, अभी ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब सबका एक ही, सब सबके एक ही फेवरेट गॉड होते हैं ना, तो और भले ही नाम कितने भी अलग अलग हो, लेकिन हम उनसे उसी रूप में कनेक्ट कर पा रहे हैं बचपन से, तो उसी रूप में आप उन्हें मान सकते हो। यूनिवर्स भी, यूनिवर्स, डिवाइन, माँ दुर्गा, अल्लाह, शिव शंकर भगवान, श्री कृष्ण भगवान, राधा, राधे, सब राधे कृष्णा, सब जो भी भगवान के नाम आप कुछ भी बोलो, येशु क्रिस्त बोलो, सब एक ही हैं, मतलब सब एंजल्स हैं हमारे लिए। ठीक है, एंजल प्रोटेक्शन है, तो या फिर आर्क एंजल माइकल को
बुला के उनसे भी प्रोटेक्शन मांग सकते हो। आप जिससे जिनसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो उनसे किसी से भी आप प्रोटेक्शन मांग सकते हो, ठीक है। अब प्रोटेक्शन मांगना कैसे, तो सबसे पहले अगर आप आर्कएंजल माइकल से अगर आप प्रोटेक्शन मांगना चाहते हो तो आर्कएंजल माइकल को आह्वान करना होगा, ठीक है, बुलाना होगा, कॉल करना होगा। यूनिवर्स, तो होल यूनिवर्स ऑलवेज विथ मी, ऐसा अगर आप फील करते हो तो यूनिवर्स तो आपके साथ में हमेशा, ठीक है। माँ दुर्गा अगर आपके साथ में ऐसा फील करते हो तो हाँ हमेशा आपके साथ है। अल्लाह अगर आपके साथ में हमेशा ऐसा फील करते तो हाँ आपके साथ है, आपको फिर से बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं और है, अगर आपको इनर साइड से आपको लगता है कि मेरे भगवान मेरे अंदर है, तो हाथ पे हाथ रखिए, डायरेक्टली आप मांगिए प्रोटेक्शन। अब बताती हूँ हाँ कैसे लेना है ठीक से। अगर आपको फील होता है कि आपको बुलाना पड़ रहा है तो बुलाइए पहले। कैसे बुलाना है, जैसे कि आर्कएंजल माइकल को बुलाना है, ठीक है। आर्कएंजल माइकल आई कॉल यू, आर्कएंजल माइकल आई कॉल यू प्लीज आइए, आर्कएंजल माइकल आई कॉल यू प्लीज आइए, प्लीज कम हियर, ठीक है। माँ दुर्गा को बुलाना है तो माँ दुर्गा को भी वैसे, लेकिन अगर आप पहले से फील करते हो आपके साथ है तो आपके साथ है, ठीक है। अब मैं यूनिवर्स से प्रोटेक्शन कैसे लेना है ये बता देती हूँ। आप लोग फिर उनकी जगह पे किसी को भी प्रोटेक्शन मांग सकते हो, आर्कएंजल माइकल को भी उसी तरह से मांग सकते हो प्रोटेक्शन। यूनिवर्स से डायरेक्ट मांग रहे हो तो उनसे भी वैसे ही, माँ दुर्गा से भी मांग रहे हो तो उसी प्रकार से, ठीक है। मैंने कैसे, अगर आप कॉल कर रहे हो तो कैसे करना है ये मैंने बताया। और बैठ के बिल्कुल सीधा जैसे मेडिटेशन में बैठते हो वैसे बैठना है, ठीक है, वैसे बैठना है। हाथ फैला के ऊपर हाथ फैला कर भी आप मांग सकते हो ऊपर की तरफ, या फिर अगर आपको फील होता है कि आपके फेवरेट गॉड आपके हार्ट में है, आपके अंदर है, तो आपके अंदर ही है, तो वहाँ पे हाथ रखिए, अपना राइट हैंड अपने हार्ट पे हाथ रखिए और फिर बोलिए उनको हाथ आंखें बंद करके अच्छे से मन से। क्या इम्पोर्टेंट है, श्रद्धा, भक्ति, भावना, प्रेम, फीलिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है जब आप कुछ भी मांग रहे हो, ठीक है। अब बोलिए यूनिवर्स को, बोलिए अगर यूनिवर्स को बोल रहे हो तो हाथ फैला के, दोनों हाथ फैला के ऊपर की आंखें बंद करके यूनिवर्स को बोलिए, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, आपके प्रोटेक्शन शील्ड में मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, आपकी सुरक्षा कवच हमें प्रदान कीजिए ताकि सारे निगेटिव एंटिटी से हमारी रक्षा हो सके। प्लीज़ यूनिवर्स हमें प्रोटेक्शन दीजिए, मुझे और मेरे डीएम, अपने डीएम का नाम बोलिए, डीएम की सभी फैमिली को, सभी मेंबर्स के नाम बोल देना, जिस भी रूप में आप उनको बुलाते हो उस रूप में इमेजिनेशन करते हुए कि आपके सामने है आपका काउंटर पार्ट, आप यहाँ पे बैठे हो, आपको भी प्रोटेक्शन मिल रहा है, आपके काउंटर पार्ट डिवाइन काउंटर पार्ट को भी, आपके डिवाइन मैस्कुलिन उनकी फैमिली को भी प्रोटेक्शन मिल रहा है, एक लाइट है जो उन पे भी आ रही है, आप पे भी आ रही है, आपके सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए प्रोटेक्शन मांग रहे हो, आपकी मम्मी के लिए, आपके पापा के लिए, आपके भाई बहन के लिए, अगर मैरिड है तो अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, और बिल्कुल इमेजिनेशन करना है कि उन पे भी वो लाइट, यूनिवर्स का जो लाइट है उन पे चारों ओर एक शील्ड बन चुकी है, चारों ओर वो जो शील्ड है वो आपको दिखाई दे रही है, तो आप इमेजिनेशन कर पा रहे हो, आपको विजुअलाइजेशन करना है, आपको दिख रहा है सब कुछ कि यूनिवर्स का जो प्रोटेक्शन है मिल चुका है सबको, आप अपने प्रोटेक्शन में ऐसे ही 24 आवर्स के लिए रखिए, मेरे फैमिली और घर के लिए भी प्रोटेक्शन मांगिए, घर को भी प्रोटेक्शन मिल गया है, सभी घर के सभी वस्तुओं पे प्रोटेक्शन मिल चुका है, विजुअलाइजेशन प्रोटेक्शन मिल चुका है,
आपने प्रोटेक्शन मांगा और मिल चुका है। आप सब ये मन में ही मांग रहे हो यूनिवर्स से, और सब मन में ही आपको दिखाई दे रहा है, विजुअलाइजेशन हो रहा है आपको पूरा कि सबको प्रोटेक्शन मिल गया। लाइट जो है वो सब पे आ रही है यूनिवर्स की, और वो प्रोटेक्शन मिल गया है सबको। आपको विजुअलाइजेशन में ये फील हो रहा है कि सब में वो एक ऑरा जो है आपको दिख रहा है, सब घर के चारों ओर ऑरा आ गया है, आपके घर के चारों ओर ऑरा आ गया, आपके डीएम के घर के चारों ओर। आपको घर भले ही उनका पता नहीं है, बट हाँ यू इमेजिनेशन कि वो जहाँ पे रहते हैं आपके डीएम, उनके भी घर के चारों ओर जो है आ गया है, जो प्रोटेक्शन शील्ड है वो आप देख पा रहे हो उसको। और फिर विजुअलाइजेशन में आपके पेरेंट्स जहाँ कहीं भी हैं, अगर पास में है तो भी, दूर है तो भी, जिससे भी आप हार्ट कनेक्टेड है, उन सब के लिए प्रोटेक्शन मांगते हुए उन सबको भी मिल चुका है प्रोटेक्शन, ये विजुअलाइजेशन करना है। और फिर यूनिवर्स को धन्यवाद करना है, थैंक यू यूनिवर्स सबको प्रोटेक्शन देने के लिए, थैंक यू सो मच, लव यू यूनिवर्स। और फिर वैसे ही आंखें खोलने से पहले क्या करना है आपको कि आपका थंब फिंगर और इंडेक्स फिंगर जो होता है दोनों को जैसे चुटकी बजाते हो या फिर पेन पकड़ते हो, तो कैसे पकड़ते हो ना पेन, तो उस तरह से अपने हाथ को रखिए। और जैसे आप लिख रहे हो तो कैसे लिखते हो वैसे, हाँ बिल्कुल एक दूसरे को टच किए हुए हैं, और फिर वो क्राउन चक्रा से होते हुए ऊपर से नीचे रूट चक्रा तक के एक लाइन खींचनी है, और फिर अपने हाथ को उठा के लेफ्ट से राइट एक आड़ी लाइन खींचनी है अपने आंखों के सामने में। आंखें बंद है तो सबको लॉक कर दिया आपने, सबके प्रोटेक्शन को लॉक कर दिया, ऐसा इमेजिनेशन करो खुद का भी और सबका भी। जैसे यीशु क्रिस्त का जो सिंबल होता है ना, उस प्रकार से क्राउन चक्रा से ऊपर से नीचे एक लाइन खींची आपने, और फिर ऊपर उठा के जो यीशु क्रिस्त का जैसा चिन्ह रहता है वैसे ही बनाना है, तो लेफ्ट से राइट फिर से एक लाइन खींची आपने, जैसे कि मैं बता दूंगी आपको यीशु क्रिस्त का जो चिन्ह रहता है वैसा वैसा बनाना है। तो वहाँ पे क्या हो गया कि आपने जो प्रोटेक्शन मांगा है वो लॉक्ड हो चुका है, और आपको इमेजिनेशन करना है कि सबका आपने लॉक कर दिया, या फिर एक एक को करके भी आप लॉक कर सकते हो, सबके लिए भी ऐसे ही चिन्ह बनाते हुए सबके लिए ऐसे लॉक कर सकते हो, या फिर सबको एक साथ आपने लॉक कर दिया, सबका प्रोटेक्शन आपने एक साथ लॉक कर दिया, ऐसा विजुअलाइजेशन करते हुए आपको सबको प्रोटेक्शन लॉक करना है। तो ऐसे रोज सुबह करना है आपको, प्रोटेक्शन मांगना है, और फिर अपने हाथों को रफ करके आंखों पे रखना है अपने हाथों को, और फिर अपने क्राउन चक्रा अपने हाथों को वैसे ही आंखें बंद है वैसे ही हाथों को दोनों हाथों को क्राउन चक्रा से होते हुए बैक से होते हुए फिर अपने नीचे तक के लाना, फिर पैरों तक के और अपने पैरों के तले तक के ला के फिर से ऊपर हार्ट चक्रा तक के अपने हाथों को लाके वहाँ पे फिर धन्यवाद बोलना है फिर से यूनिवर्स को। समझा आपको? इतना टाइम नहीं लगता है जितना मैंने बताया, उसके लिए जितना टाइम लगा ना उतना आपको करने में भी टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप जल्दी जल्दी जैसे जैसे आदत हो जाएंगी ना तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। तो बहुत देर तक भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको इसके लिए, 5 से 10 मिनट बहुत है, बहुत है, 10 मिनट तो बहुत है, 5 मिनट में हो ही जाता है, 5 से 7 मिनट में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, उससे कम भी समय लग सकता है जैसे जैसे आपको पता चल जाता है कि हाँ ठीक है। तो ये विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा यानी जैसे जैसे स्टार्टिंग में थोड़ी आपको विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम होती होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप इस बात को सीख जाओगे और विजुअलाइजेशन करना अच्छे से आ गया, तो अब आप बहुत जल्दी से प्रोटेक्शन मांग पा रहे हो 24 आवर्स के लिए। और ये लिटरली आपको घर के लिए भी प्रोटेक्शन मांगना है, घर के सभी सदस्यों के लिए भी प्रोटेक्शन मांगना है, क्योंकि आपको मैंने बताया है क्यों मांगना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आपके झगड़ा हो जाता है अपनी फैमिली से, क्यों होता है, क्योंकि वो प्रोटेक्ट में नहीं है और नेगेटिव एंटिटी उन पर अटैक कर रही है। हाँ अगर आपके घर के
कोई भी ऐसे इंसान है जो आपकी एनर्जी सक करते हैं, ठीक है, आपको तो प्रोटेक्शन शील्ड में तो रहना ही है हमेशा, लेकिन कॉर्ड भी कट करना पड़ेगा उनसे, जिनके वजह से आपको ऐसा लगता है कि एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है, ठीक है, समझ में आया आपको? उनके साथ में कॉर्ड कैसे कट करना मैंने बता चुकी हूँ ऑलरेडी, कि जो हमारे जो कार्मिक्स होते हैं वो कभी ना ऐसे बहुत ज़्यादा एनर्जी सक करने की कोशिश करते, तो उनसे कॉर्ड कट करना है हमेशा हर रोज़, और मैंने बता चुकी हूँ कैसे कॉर्ड कट करते हैं, उस पर टाइटल भी वही रखा हुआ है मैंने, ठीक है। और एक बात बतानी थी कि प्रोटेक्शन सिर्फ वहाँ पे ही नहीं, आपको प्रोटेक्शन मांगने के बाद में भी क्या होता है कि कुछ ऐसे हमारा जो ऑरा है उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो उस वजह से भी ना उस वजह से भी हम पे नेगेटिव एंटिटी कहीं छिद्रों से भी आ सकती है, मतलब कहीं भी अगर किसी कारण से अगर छिद्र पड़ जाए अपने ऑरा हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे आप ना अपने थर्ड आई पे काम करने लगते हो तो आप महसूस कर पाते हो अपने अपना जो ऑरा है उसको महसूस कर पाते हो, लिटरली आप उसको बहुत अच्छे से महसूस कर पाओगे, और फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई छिद्र पड़ जाते हैं अपने ऑरा के चारों तरफ, तो क्या करना है, अपने ऑरा को क्लीन करना है, अपने ऑरा को ऑरा क्लींजिंग करते रहना है। तो ऑरा क्लींजिंग करने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को दिया बत्ती करनी चाहिए घर में, ठीक है, घंटों घंटों पूजा करो ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, सामग्री की आवश्यकता नहीं है बहुत ज़्यादा, बस दिया बत्ती में जो करना चाहिए आपने वो दिया लगाए दिया भगवान के सामने, और फिर जब आप आरती करते हो वैसे आप ओम चैंटिंग वगैरह कोई भी चैंटिंग कर सकते हो भगवान के मंदिर में बैठ के, जो भी आपको मंत्र अच्छे लगे वो सारे मंत्र भी बोल सकते हो, और जब आरती करते हो तो आरती तो कपूर तो जलाते ही हो, उसमें थोड़ा एक दो लवंग और तेज पत्ता से आप धुआं कर दीजिए, धुआं करने के बाद में जब आरती करने के बाद में घर में भी सारे घर में भी उसे फैलाइए धुएं को अच्छे से, और फिर जब जब भी आप नहाते समय मैक्सिमम नमक थोड़ा सा नमक सेंधा नमक या कुछ ऐसा डाल के नहाते रहिए, स्पिरिचुअल बात बोलते हैं उसको, तो स्पिरिचुअल बात कीजिए जिससे कि कोई ऑरा जो है बहुत और स्ट्रांग होते जाता है, आपका ऑरा क्लींजिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, जो छिद्र कहीं पे पड़े होंगे वो छिद्र क्लीन हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आया आपको? और छिद्र क्लीन हो जाए मतलब छिद्र जो है मतलब छिद्र पड़ते ही है ऑरा पे, छोटे छोटे छिद्र कहीं ना कहीं से फिर वो नेगेटिव एंटिटी हम पे अटैक करती है, हमें कभी कभी नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं, कभी कभी हमें लगता है ना कि कोई किसी को भी लगता होगा कि मैं ये ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, ये यूनिवर्स मतलब कभी कभी अविश्वास हम जताते भगवान पे, या फिर ये ट्विन है कि नहीं, मैं ट्विन जर्नी में हूँ कि नहीं, ऐसे कई प्रकार से कुछ ना कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं, तो वो उसका कारण यही होता है कि हम लोग पे नेगेटिव एंटिटी ने अटैक कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी हम इस चीज़ को समझ चुके हैं और हमारी गट फीलिंग भी बता चुकी है, हम इनर वर्क भी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, फिर से एक आध बार ऐसे अचानक हमारे दिमाग में कुछ अलग ही बात चलने लगती है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होता है, और फिर उस वक्त ये सब करना है और उसी के साथ में यूनिवर्स से प्रोटेक्शन भी मांगना है फिर से डबल से। कभी कभी होता है ना कि शायद हम ठीक से नहीं मांगे, ठीक से नहीं मिला, तो फिर से प्रोटेक्शन मांगिए, फिर से यूनिवर्स से प्रोटेक्शन मांग के अपने ऑरा को क्लीन करते रहिए, हमेशा ऑरा क्लींजिंग करते रहिए। ऑरा क्लींजिंग मैंने अभी बताया, ऑरा क्लींजिंग कैसे करते हैं, है ना, ऑरा क्लींजिंग भी हो गया अपना, और एंजल प्रोटेक्शन या यूनिवर्स प्रोटेक्शन कैसे लेते हैं ये भी मैंने बताया, ठीक है, अगर नहीं समझा तो मैं फिर से समझा दूंगी फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट एंड शेयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच।